हम क्रूस पर आरोपित मसीह का प्रचार करते हैं, यह यहूदियों के विश्वास में बाधा है और गैर यहूदियों के लिए मूर्खता। संत पौलुस पहले कुरिन्थियों के नाम में लिखते हुए अध्याय 1 पद संख्या 17 से 25 तक। सबको प्रभु येसु मसीह के कृपा और शांति मिले। आई ट्रस्ट मिनिस्ट्री के द्वारा प्रभु वचन को आप तक पहुंचाने का कोशिश हमारी है। हम चाहते हैं जैसे ही आप जागते हैं, जैसे ही आप नए दिन को देखते हैं, उस प्रभु वचन से आलोकित हो जाएं। वो प्रभु आप लोगों को अपनी महिमा अपने जीवन में दिखाएं। देखिएगा आज का पहले पाठ में किस प्रकार संत पौलुस प्रभु येसु की महिमा करते हैं। वो कहते हैं हम क्रूस पर आरोपित मसीह का प्रचार करते हैं, यानी हम प्रभु येसु मसीह का प्रचार करते हैं, उनका गुणगान करते हैं। जो अन्य लोगों के लिए कौन है? विश्वास में बाधा है। और गैर यहूदियों के लिए कौन है? वो मूर्खता का चिन्ह है। और मुझे पूछना है, मुझे जांचना है, क्रूस मेरे लिए क्या है? क्रूस पहनने में, क्रूस का चिन्ह निकालने में, क्रूस के बारे में बतलाने में क्या मैं शर्माता हूं? क्या मैं डरता हूं? मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्रूस अन्य लोगों के लिए मूर्खता का चिन्ह हो सकता है, लेकिन हमारे लिए मूर्खता का नहीं, लेकिन मुक्ति का चिन्ह है। उस क्रूस के पार, उस क्रूस पर मृत्यु के बाद ही प्रभु ने हम सबों को मुक्ति प्रदान की। सल्वेशन वी गॉट फ्रॉम द क्रॉस, यानी प्रभु के मृत्यु के बाद, प्रभु के क्रूस पे लटकने के बाद हम मानव जाति को मुक्ति पापों से मिली है। आज हमें उन समझदार कुंवारियों के समान तैयार रहना है प्रभु के आने के। ना समझ कुंवारियों ने उन अपने प्रभु के आने के इंतजार नहीं किया, वे तैयार नहीं थे, आयन वक्त पर यहां वहां भागने लगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जीवन भर प्रभु बहुत सारे हमें मौका प्रदान करते हैं तैयार रहने के लिए, विश्वास में जीवन बिताने के लिए, लेकिन हमारा जीवन प्रभु का वचनों पर पालन होता है? क्या मैं प्रभु को गुरु और मुक्तिदाता मानता हूं? क्या उनके शिक्षा के अपेक्षा अपना जीवन बिताता हूं? इसलिए नबी इजायस कहते हैं, ये लोग मुख से मेरा आदर करते हैं परंतु इनका हृदय मुझसे दूर है। ये लोग मुख से मेरा आदर करते हैं परंतु इनका हृदय मुझसे दूर है। क्या मैं समझदार कुमारियों के समान हूं या ना समझ कुमारियों के समान? आमीन।